को देना चाहते हैं डेब्यू फिल्म में इतना ज्यादा प्यार मिलना? इसका श्रेय आई थिंक ये ऑडियंस को ही जाता है, क्योंकि ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, हमने तो सिर्फ गदर बनाई थी, बट आप लोगों ने सबने मिलकर गदर मचा दी है। और ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी, डेब्यू मूवी में इतना इतना प्यार मिल गया, मुझे अभी तक एक्चुअली फील नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा नम फील कर रही हूँ अभी भी। शायद जब दूसरी तीसरी पिक्चर साइन कर लूंगी तब शायद पता लगेगा कि हाँ मूवी हिट हो गई है। बस पर आपका प्यार चाहिए, और आपके प्यार से ही आज इस इमरत को लोग जानते हैं, और अगर आप और प्यार दोगे तो शायद और पिक्चरें करूंगी। गदर वन की क्या मेमोरीज है आपकी? गदर किसके साथ देखी थी, अगर वो मेमोरीज के बारे में बात करें? एक सबसे प्यारी मेमोरी है, जब गदर की शूटिंग हो रही थी अमृतसर रेलवे स्टेशन के वहां पर, अमृतसर में, तो मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे गोदी में उठाया हुआ था, और मॉम वो शूटिंग देख रही थी 10,000 की भीड़ में खड़े होकर। तो वो वहां से लेके आज मैं सनी सर के साथ स्क्रीन पे हूँ, तो आई थिंक इससे बड़ी मेमोरी कुछ नहीं हो सकती। इतनी सी थी जब मैंने वो पिक्चर की शूटिंग देखी थी, और आज उनके साथ मूवी थी मैंने। एज ए एक्टर क्या सीखा आपने सनी देओल जी से? सर ने मुझे एक ही चीज सिखाई कि एक्टिंग हमेशा दिल से करनी चाहिए, आपके दिल में वो फील होना चाहिए, जैसे आपको दिल में फील होगा तो आपकी आंखों पे आपके फेस पे वो इमोशन आ जाता है, आपको एक्ट नहीं करना पड़ता। तो फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? फैंस नहीं यार, ये मेरा परिवार है, ये मेरा एक्सटेंडेड बड़ा परिवार है, बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए मुझे, और कुछ नहीं मैं बोल सकती, और फैंस भी अब मेरा परिवार है। आई एम श्योर बहुत सारे ऑफर आए होंगे अगर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट। नहीं, ऑफर्स बहुत सारे आ रहे हैं, नो डाउट, बट अभी मेरे को बहुत सोच समझ के आगे अगली पिक्चर साइन करनी है, बस मुस्कान को इतना प्यार मिल गया है, तो हाँ ऑफर्स बहुत सारे, अभी मुझे एक सिलेक्ट करना है अच्छा वाला। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।